हेलो दोस्तों, मैं क्वेश्चन कौशिक आज फिर आपके सामने तीन चार पॉइंट्स पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करें ध्यान से सुनने की। देखो, मैं 2-3 दिन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डिक्टेशन को लेकर के, कि मैटर कैसा होना चाहिए या फिर टफ मैटर या इजी मैटर। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, तो कोशिश करूँगा पॉइंट से ही बात करें। देखो, सबसे पहला इशू क्या हो रहा है कि भाई जब मैं ऑडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मैटर अच्छा मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पीड मैंने मेंशन किया 90 वर्ड पर मिनट, लेकिन स्टूडेंट्स को वो 100 या 105 लग रही है या फिर 100+ लग रही है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है आज का। सबसे मेन टॉपिक ये रहेगा कि भाई स्पीड्स को लेकर के। देखो, मेन पॉइंट ये है कि जो मेडिटेशन दे रहा हूँ ना आपको, वो इस तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि भाई जो बोलने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान से सुनना, वो क्या है कि वर्ड्स के बीच का गैप है ना, वो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। जैसे कि देयर हैज बीन अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं हर एक वर्ड के बीच में गैप पर्टिकुलरली मेंटेन कर रहा हूँ, प्रॉपर मेंटेन कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ कि आपको 90 वर्ड पर मिनट भी 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग ही लगेगी तरह से। लेकिन जो मोस्टली यूट्यूब पे जो ऑडियोज डाल रखी है वो सारे टीचर्स ने, तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं देयर हैज बीन अ ह्यूज एक्सप्लोजन इन बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज्ड टू एंगेज इफेक्टिवली विद कंज्यूमर्स एंड एज सच। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है हमारा कि जब हमें डिक्टेशन काफ़ी सारे बच्चों को देनी होती है ना, तो उसमें हर वर्ड के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया जाता है और उससे वो स्पीड ज़्यादा लगती है। तो ये मोस्ट टफेस्ट वे है डिक्टेशन देने का कि वही हर वर्ड के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन किया जाए। उससे तुम किसी भी मोड में डिक्टेशन लिख सकते हो। ठीक है, और इजी मोड का मतलब ये है टफ मैटर को भी आसानी से लिख सकते हो जब एक फ्लो के साथ चलेगी डिक्टेशन। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि भाई आप इस मोड में लिखो कि भाई 110 की स्पीड भी आपको ऐसे मक्खन की तरह लगे। उससे आपको ना एक मतलब कि धुंधला बना रहेगा, इन द सेंस कि भाई वो ना वो जेन्युइनिटी बनेगी नहीं मटेरियल को लेकर के या फिर आपकी स्पीड को लेकर के। तो कोशिश ये करो कि आप स्पीड को मेंटेन करो और 90 वर्ड आप मैटर को ऑब्जर्व करके उसको ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करो। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो भी ऑडियोज मैं डाल रहा हूँ तो कोशिश करो आप दिन भर प्रैक्टिस करो, लेकिन जो मैटर मैं डाल रहा हूँ उसको आप ट्रांसक्राइब करो और फिर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ धीरे धीरे करके। दूसरा पॉइंट ये मेरा हार्ड मैटर। देखो, हार्ड मैटर से मतलब मेरा ये है कि भाई अब मैं जो भी डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहाँ से भी बोल रहा हूँ मैं, एसे लेटर जो भी कुछ बोल रहा हूँ मैं, आप उसको ना ये मत लेके चलो कि भाई यार ये तो लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, आप उसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, मैं 85, 90, 95, 100 पे डाल रहा हूँ, तो आपकी स्पीड 90 है तो आप उसको 85 में लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसको ना रिपीटेशन मोड में लिखो, 4 से 5 बार मिनिमम लिखो। अगर जो आपने ये काम 3 से 4 दिन लगातार कर लिया ना कि भाई आपकी स्पीड 80 की स्पीड है और आप इसको 85 100 85 या 90 पे या 95 पे लिख रहे हो और उसको रिपीटेशन मोड में लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, एक बार लिख लिया तो अपने ऑब्जर्व कर लिया भाई किन आउटलाइंस में आपकी कमी है, उनको इम्प्रूव करो, दोबारा फिर लिखो, दोबारा फिर लिखो। थोड़ा सा ना मतलब कि इंटेंशनली आप स्ट्रेस में जाओगे ना, इंटेंशनली इन द सेंस कि भाई आप उस काम को खत्म करने की कोशिश करोगे कि भाई हाँ मेरे से लिखा जाना चाहिए, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी होगा एकदम से। तो कोशिश करो आप दिन में कम एटलीस्ट 2 डिक्टेशन तो ऐसी पकड़ो कि जिसके पीछे आप लग जाओ पूरे तरीके से कम उसको 7-8 बार लिखो। आउटलाइंस पे ध्यान रखो, और आउटलाइंस ना एकदम से, मैं आउटलाइंस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसी आउटलाइन होनी चाहिए, वर्ड्स का गैप कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा अनफेमिलियर आउटलाइंस बहुत ध्यान से सुनना। अनफेमिलियर आउटलाइन से मतलब मेरा ये कि भाई काफ़ी सारे आउटलाइंस, काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो 6 महीने में 2 या 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर प्रॉपर नाउंस है, जैसे कि एक तरह से यूट्यूब आ गया है हमारा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं, किसी के नाम वगैरह रखे हैं, तो आप उनका ध्यान रखो कैसे बनाओगे, दिमाग में सिर्फ ये सेट कर लो कि भाई जो भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ना, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है आप उसको बनाते चले जाओ, भले ही आपकी आउटलाइन अच्छी ना बने। जैसे कि मैं कोई भी वर्ड सोच लेता हूँ, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सिंपल है, PRDN M से कट कर दो, ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो PRDN और M से कट कर दो, प्रधानमंत्री। मतलब कोई
कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ का फ्लो बनाओ, सीधे कॉन्सोनेंट बनाते ले जाओ। देखो अगर जो आपकी कमांड अच्छी है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी कॉन्सोनेंट बनाओगे ना जोड़ते हुए, तो आप उसको वहाँ एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाओगे पैसेज क्या कहना चाह रहा है, और वो आपको याद आ जाएगा। PRDN प्रधान, इट मीन्स प्रधान, M से कट कर दिया आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। जो भी अनफेमिलियर वर्ड आए, कोई भी वर्ड आए, आप उसके कॉन्सोनेंट्स को बनाओ, कोशिश करो, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 3 से 4 दिन आप कोशिश करोगे, आपके वर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये अपने माइंड को ना उतर दे के जाना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, हाउ टू कमांड। देखो स्पीड ज़्यादा है, मैटर टफ है, कमांड नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका सबसे इकलौता इलाज ये है कि आप कोई भी एक मैटर पकड़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। उसके अलावा मैंने पहली वीडियो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बार बार एक डिक्टेशन को ना मल्टीपल टाइम्स रीड करो, मल्टीपल टाइम्स रीड करो। मतलब कि मिनिमम कैसे करोगे रीड, आप मिनिमम एक डिक्टेशन को, अगर जो 400 वर्ड है तो उसको कम से कम 4 से 5 बार रीड करो। एक बार आपने रीड कर लिया डिक्टेशन लिखने के बाद, दोबारा फिर उन आउटलाइंस को रीड करो दोबारा फिर, और ये देखो कि जब आप सेकंड टाइम रीड कर रहे हो तब भी आप मिस्टेक कर रहे हो रीडिंग करते हुए, ठीक है। थर्ड टाइम रीड कर रहे हो तब भी आप 2-3-4-5 मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। तो 4 से 5 बार जब आप रीड करोगे तो आपकी मिस्टेक्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो जो मालवेयर जो है ना वो सब निकलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो घूम फिर के वही वर्ड्स आने हैं। तो बार बार रीडिंग करो, और रीडिंग देखते हुए नहीं बोलते हुए करनी है, मतलब कि थकान हो जाएगी दिमाग को लेकर के, एकदम से तुम जब रीड करोगे ना उसको तो आपका दिमाग खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 2-3 दिन का काम है, आप कोशिश करो, रीडिंग करो बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल कंजूसी ना हो रीडिंग में। और मैटर आपको ज़्यादा टफ लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा इजी मैटर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और कोशिश मेरी ये रहेगी आप आँख बंद करके इनके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और थोड़ा बहुत इजी मैटर भी लिखते रहो भाई, और कैलाशचंद्र जिसकी स्पीड कम है वो कृपया करके कैलाशचंद्र को बिल्कुल ना त्यागे, कैलाशचंद्र भी करते रहे थोड़ा बहुत, प्रोग्रेसिव मैटर भी करते रहे, और उसके अलावा जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है उसकी कोशिश करो मेनटेन करो, और रेगुलरिटी मेनटेन करो तरीके से, ठीक है। ओके धन्यवाद।